A big hello to everyone. Today, I'm going to tell you three things to include in your diet if you are losing your weight. So without wasting any time, let's get started. Welcome back. Guys, I'm not telling you the magic remedies today. I'm not telling you to include these three things and you will magically reduce your weight. I'm just telling you certain things which you can do, which you can incorporate in your diet, and they can act as a catalyst if you are losing your weight. अगर आपको कोई कहता है कि मैंने अपना वेट लूज ये प्रोडक्ट खाकर किया है, गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, वेट लूज कभी भी एक चीज से नहीं होता. आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठे करनी पड़ती है टू लूज योर वेट. इट्स नॉट अ सिंगल स्ट्रैटेजी. आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है इफ यू वांट टू लूज वेट. सो इफ समबडी टेल्स यू दैट आई हैव लॉस्ट माय वेट बाय वेट ट्रेनिंग, सिंपली वेट ट्रेनिंग, ही और शी इज लाइंग. इफ ही और शी इज टेलिंग यू कि मैंने सिर्फ अपना वेट रनिंग से कम किया है, ही और शी इज लाइंग. वो या तो आपको बताना नहीं चाहता कि मैंने अपना वेट लूज कैसे किया है, और he don't know what he actually followed to lose his or her weight. जो वेट लूज करते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें अपनी देखनी पड़ती है in order to get that weight. हमें अपनी डाइट देखनी पड़ती है, हमें अपनी एक्सरसाइज देखनी पड़ती है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी देखनी पड़ती है, ताकि अगर हम डाइट में फेल हो जाएं तो हमारा वर्कआउट इज गोइंग सक्सेसफुल, और अगर हम वर्कआउट में फेल हो जाए तो एटलीस्ट हमारी डाइट अच्छी जा रही है. सो गाइज, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उसको इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, यू विल एक्चुअली सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स. नंबर वन इज जिंजर, अदरक. ओके, सो नाउ यू विल आस्क मी कि जिंजर इज ग्रेट फॉर डाइजेशन, इट्स ग्रेट फॉर योर मेटाबॉलिज्म, ये वेट लॉस से कैसे रिलेटेड है? गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. If your stomach is not happy, आप अपना weight lose आसानी से नहीं कर पाएंगे. Guys, अगर आपका stomach ही नहीं अच्छा होगा, so you cannot do anything. आप workout में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आप अपनी diet ठीक से follow नहीं कर पाएंगे. So you have to take care of your stomach. Ginger is great for your stomach. So if you are suffering from any stomach related disorder, consider ginger as your new best friend. Ginger is very helpful in muscle pain and muscle soreness. So after a vigorous workout, ginger tea will make a huge difference. For all the runners who put so much stress on their knees, ginger can actually make a difference by reducing inflammation. I don't know, agar aapne meri purani videos dekhi hain, maybe you are new or you are my subscriber, I was suffering from high blood pressure and somebody recommended me ginger. So, मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था कि मैं खाने के साथ हमेशा जिंजर खाऊंगा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे आफ्टर एडिंग जिंजर इन माय डाइट. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जिंजर इज अ बिग येस. जिंजर इज ग्रेट फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. सो इफ यू आर इन स्ट्रेस, जिंजर विल एक्चुअली काम यू डाउन. सो यू मस्ट बी थिंकिंग, ओके जिंजर की मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, हाउ इट इज हेल्पफुल इन माय वेट लॉस? ओके गाइस, सी जब आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, आप जब वेट लूज करते हैं, तो यू आर पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, ऑन योर ब्रेन, एवरीवेयर. अगर आप जिंजर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो यू आर एक्चुअली कामिंग योर सेल्फ डाउन. आपको मसल पेन में प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज यू आर डूइंग अ विग्रेस वर्कआउट रूटीन, ऑब्वियसली इफ यू आर लूजिंग वेट. सो अगर आप जिंजर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, यू कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस. आपको मसल पेन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत अच्छा रहेगा, यू विल फील हैप्पी, आपका स्टमक जो है वो बहुत अच्छे से रहेगा. एंड गाइज, अगर आपका स्टमक बहुत अच्छा है ना, आप हर एक चीज़ में ध्यान लगाएंगे, आप अपनी डाइट बहुत अच्छे से कर पाएंगे इफ़ यू आर हैप्पी, एंड आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा. जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आप भाग रहे हैं और आपका पेट बहुत हैवी है, आपको ब्लोटिंग सी फील आ रही है. सो दैट्स वाई गाइज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं. सो सिंपली एड जिंजर इन योर डाइट एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल सी सम अमेजिंग रिजल्ट्स. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट जिंजर इन योर डाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने पेरेंट्स को जो भी आपके खाना बनाते हैं घर में, आई डोंट नो, आप उनको बोलिए कि आप जिंजर का यूज़ कीजिए. हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में जनरली जिंजर यूज़ होता है. सो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं, सो प्लीज़ टेल योर मॉम
और डैड और सिस्टर जो भी खाना बनाते हैं कि आप प्लीज़ जिंजर को यूज़ कीजिए खाने में. और सेकेंडली, अगर आप उसको रॉ खा सकते हैं, दैट इज़ इवन मोर गुड. आप जस्ट उसको स्लाइसिस कीजिए एंड पुट सम लेमन ऑन इट, और उसमें थोड़ा सा आप इफ़ यू वॉन्ट यू कैन पुट सम ब्लैक सॉल्ट. एंड गाइज, ट्रस्ट मी, वो बहुत टेस्टी लगता है. यू कैन हैव इट विद योर मील्स एंड इट विल एक्चुअली एनहेंस द फ्लेवर. थर्डली, यू कैन हैव जिंजर टी ऑल्सो. आप पानी और जिंजर को इकट्ठे उबालिए एंड यू कैन पुट हनी इनटू इट. अगर आपको लगता है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा वैसा है, सो यू कैन पुट हनी ऑल्सो एंड यू कैन गल्प इट अप. गाइज, ट्रस्ट मी, आप ये जिंजर को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए, यू विल एक्चुअली थैंक मी. एंड गाइज, मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं जिंजर को यूज़ करता हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में. आई पुट दैट इवन इन माई ऑमलेट्स ऑल्सो. सो आप अपने ऑमलेट में भी जिंजर यूज़ कर सकते हैं. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आप जितना भी कभी भी बाहर ऑमलेट खाएंगे, सो दे एक्चुअली पुट जिंजर इन इट. इट्स अ ग्रेट टेस्ट एंड आंसर. सेकेंड, अजवैन और कैरम सीड्स. ओके, हिट दैट लाइक बटन. अगर आपको याद है कि आपके बचपन में मम्मी पापा दादी नानी ने ऐसा कहा हो कि अजवाइन खा ले अगर तेरा पेट में दर्द हो रहा है तो. बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी हमेशा मेरे को कहती थी, कभी भी मेरे को स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कि तू अजवाइन खा ले. अजवाइन इज अ मिरेकल हर्ब एंड द वेरी बेस्ट पार्ट, इट्स प्योर इंडियन. इट इज ओरिजिनेटेड इन आवर वेरी ओन कंट्री. Ajwain seeds are rich in fibers, vitamins, minerals, antioxidants. Guys, जब हम वेट लूज करते हैं अपना, वी जनरली कीप आर प्रोटीन इनटेक हाई. सो देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आपको इनडाइजेशन हो जाए, आपको ब्लोटिंग फील होती है, एंड यू नो देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस. सो अगर आपको कभी भी स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट गो एंड हैव Ajwain, एंड प्रेफरेबली अगर आप उसको गर्म पानी के साथ लेते हैं, it will make a huge difference. So it's very good for acidity and indigestion, it's great for cold and cough, and it's great for wounds also. Guys, I remember jab mujhe bachpan mein chot lagti thi, meri jo dadi hai wo ajwain ko pees ke wo seedha directly mere chot pe laga deti thi, and wo guys jaldi heal ho jata tha. So ajwain is actually good for your wounds also because of its antibacterial and antifungal properties. It's very good for constipation also, guys. So agar aapko constipation ki problem rehti hai, do give it a try. सो कमिंग बैक टू वेट लॉस, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कोई मैजिक रेमेडी नहीं बताने वाला हूँ. अजवाइन इज नॉट अ मैजिक रेमेडी गाइज, लेकिन अगर आप इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो धीरे 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 यू विल सी सम अमेजिंग चेंजेस. आपको इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, सो यू कैन एक्चुअली यू नो आप अपना फोकस रख पाएंगे कि मेरे को अब अपना वेट लूज करना है, और इन सब चीज़ों में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बीमार नहीं पड़ना है. क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप स्लो हो जाएंगे, आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा. सो गाइस, कॉमन कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है. कोल्ड जब होता है तो हमें वर्कआउट करने का मन नहीं करता, वी फील लाइक अब क्या करूँ. सो गाइस, ये सब चीज़ें अगर आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, यू विल सी सम गुड रिजल्ट्स. मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो पहले से यू नो यूज़ होती आ रही हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है. ये हमारी दादी, ये हमारी नानी, ये सब चीज़ें यूज़ करती आ रही हैं, एंड यू नो वी हैव टू ट्रस्ट देम. इट्स ऑल बैक्ड बाय आयुर्वेदा, इट्स ऑल बैक्ड बाय साइंस नाउ. ओके, थर्ड, इट्स जीरा और क्यूमिन सीड्स. गाइज, यू मस्ट हैव, इफ़ यू आर लूजिंग वेट एंड यू कीप ऑन सर्चिंग यूट्यूब फॉर दैट, आपने ऐसा हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि आपने वीडियोज ना देखे हो. Lose 10 kgs in 7 days with this jeera water, right? You must have seen this. Guys, okay, I don't know ki 10 kilo aapka weight kam hoga ki nahi hoga, lekin ek initially aapko ek kickstart mil jayega with jeera because of its diuretic properties. Guys, jab aap jeera khate hain ya uska pani peete hain, to aapki body ka jo excess water hota hai, wo nikal jata hai. But it's not a proven thing ki aap इसको ले लीजिए और अब आप पतले हो जाएंगे. लाइक इफ़ यू आर ईटिंग जंक फूड एंड नाउ यू आर हैविंग अ जीरा पानी और 10 किलो आपका वजन कम हो जाएगा 7 दिन में, नो दैट्स नॉट इवन पॉसिबल. सो अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं एंड साइमल्टेनियसली यू आर हैविंग दीज थिंग्स, लाइक यू आर हैविंग अ जीरा वाटर बट योर डाइट इज़ वेरी गुड, गाइज इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. आपका वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा. अगर आप एक महीने में पहले 2 किलो वजन कम कर रहे हैं, सो प्रॉबली देयर इज अ चांस दैट नेक्स्ट मंथ यू विल प्रॉबली लूज अराउंड 3 kgs.
Jeera is very good for your immune system. It improves your digestion. आपका digestion बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप जीरा use करते हैं तो. It increases your metabolism rate. अगर आपका metabolism rate अच्छा है तो obviously आप अपना weight lose जल्दी करेंगे. आप calories ज़्यादा burn करेंगे अगर आपका metabolism rate अच्छा है तो. Okay guys, I don't know if you have this problem. Maybe आप में से किसी को ये problem हो. मेरे को ये problem थी लेकिन वो अब ठीक हो चुके. I want to tell you something. Guys, मैं पहले शाम को वर्कआउट करता था. अब आई डू इट इन द मॉर्निंग. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं शाम को जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेता था मेरे को नींद नहीं आती थी. सो गाइज इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप अगर मैं शाम को वर्कआउट कर रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाई मैं पंप हो जाता था या यू नो आई डोंट नो. सो अब मेरे को इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई थी यू नो इन द बिगिनिंग जब मैं वेट लूज अपना शुरू ही किया था. सो यू नो मैं फिर जीरा पानी पीता था रात को एंड गाइस मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी. सो एंड देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट. सो मुझे तब पता चला कि जीरा वाटर इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया. सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया प्लीज़ आप एक बार जीरा पानी ज़रूर ट्राई कीजिए. गाइस जीरा इज़ हाई सोर्स ऑफ आयरन. सो दैट्स वाई इट्स वेरी गुड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया. सो इनकॉर्पोरेट जीरा इन योर डाइट and you will actually see some amazing results. So I'm going to tell you how I drink jeera water. So what you can do is actually just boil some water and put jeera in it and you know you can boil it and aap usko chhan ke pee sakte hain. If agar aapko lagta hai ki aap wo kha sakte hain then it's actually good. So you can have that also. So the easiest way to incorporate jeera in your diet is just dry roast jeera and jab bhi aap khana khaye agar aap dahi khate hain to aap dahi ke upar se you can put that dry roasted jeera. So यू नो आपकी डाइट में जीरा भी आ गया प्लस वो एक टेस्ट आपका एनहांस हो जाएगा. सो यू कैन डू लाइक दिस. सो दिस इज इट गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन योर फेवरेट टॉपिक डू कॉमेंट बिलो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट अ फैट्सो. सी यू वेरी सून.